दुनिया में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, और ख़ास तौर पे जो विपरीत परिस्थितियों में पले हुए लोग होते हैं वो ठान लेते हैं तो सब कुछ हासिल कर ही लेते हैं। तो इन्होंने दिल्ली फतेह कर ली है, और वो भी हमारी बेटियों ने। तीन बेटियां आप देख रहे हैं जो एक साथ दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पद पर चयनित हुई है, बड़े गर्व का विषय है। इन और आप देखेंगे दूर दराज के गाँवों से, एक पवनी है जो नांद की है, एक प्रमोद है जो कि दुदू की रहने वाली है, और अणसी है जो कि रावतसर से है। और तीनों के जो पारिवारिक पृष्ठभूमि आप देखेंगे तो आम किसान परिवार से हैं, तो इन्होंने दिल्ली पुलिस को क्लियर किया। इसी तरीके से बॉयज ने भी क्लियर किया है, रूप किशोर और सुरेंद्र सिंह है ना, पूत के पांव पालने में दिखते हैं। तो पहले से ही पता था कि ये लोग टैलेंटेड तो हैं ही, और परिवार का सपोर्ट था तब वहाँ गाँव से निकल के बाड़मेर तक पहुंचे, और बाड़मेर से अब दिल्ली इन्होंने खुद रास्ता तय कर लिया, से 13, 13 से 33, और फिर सारा 100%। मुझे लगता है कि जिन्होंने एनसीसी ज्वाइन की है, जिस भी गर्ल्स ने, वो किसी न किसी फील्ड में जाए और अपने जो लाइफ है उसको सक्सेसफुल बनाए, बस यही उम्मीद है। थैंक यू सर, बोल दे बहुत सर। बधाई, बोलो मीठे हैं जरूर बोले ना। बहुत बधाई। अब अगली में हो जाएगा। सीटी वाले ही भाग लेंगे और दूसरा फिजिकल हो गया वही रिटर्न देंगे। दुनिया में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, और ख़ास तौर पे जो विपरीत परिस्थितियों में पले हुए लोग होते हैं वो ठान लेते हैं तो सब कुछ हासिल कर ही लेते हैं। तो इन्होंने दिल्ली फतेह कर ली है, और वो भी हमारी बेटियों ने। तीन बेटियां आप देख रहे हैं जो एक साथ दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पद पर चयनित हुई है, बड़े गर्व का विषय है। इन और आप देखेंगे दूर दराज के गाँवों से, एक पवनी है जो नांद की है, एक प्रमोद है जो कि दुदू की रहने वाली है, और अणसी है जो कि रावतसर से है। और तीनों के जो पारिवारिक पृष्ठभूमि आप देखेंगे तो आम किसान परिवार से हैं, तो इन्होंने दिल्ली पुलिस को क्लियर किया। इसी तरीके से बॉयज ने भी क्लियर किया है, रूप किशोर और सुरेंद्र सिंह है, तो बहुत खुशी की बात है। ये इनसे बातें जब आपकी हुई तो क्या रहा, पड़ोसी आसपास वालों ने बताने दिए कि साहब हाँ इतने साल से क्या कर रहे हो, लेकिन घर वालों ने जो है हिम्मत बनाई रखी? नहीं नहीं ये जैसे कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिखते हैं। तो पहले से ही पता था कि ये लोग टैलेंटेड तो हैं ही, और परिवार का सपोर्ट था तब वहाँ गांव से निकल के बाड़मेर तक पहुँचे, और बाड़मेर से अब दिल्ली इन्होंने खुद रास्ता तय कर लिया। तो ये अब एक एम्बेसडर के तौर पे हैं गाँव में, और गाँव की बच्चियों को एक प्रेरणा मिलेगी इनसे कि हाँ हम भी हासिल कर सकती हैं, कुछ बन सकती हैं। पूरे 3 साल थे इनके एनसीसी के, वो कितने महत्वपूर्ण थे, क्योंकि वर्दी का जज्बा जो है तो उसी वक्त लगा था। हमारी कोशिश ये रहती है कि जिसने कभी ये ना सोचा हो कि मैं वर्दी पहन सकता हूँ या पहन सकती हूँ, उसके मन में भी ये भाव जागृत कर पाए। और जब इन्होंने हासिल कर लिया, एक बच्ची है पवनी, मुझे याद आ रहा है कि जब हमारा एनुअल फंक्शन था तो इसने एक एक्ट किया था, जान दे माँ मैंने बॉर्डर पे, और आज इसने अपना साक्षात्कार दिखवाया है, तो बहुत अच्छा है। आगाज 3 से है, उम्मीद क्या करते हैं? 3 से 13, 13 से 33, और फिर सारा 100%। मुझे लगता है कि जिन्होंने एनसीसी ज्वाइन की है, जिस भी गर्ल्स ने, वो किसी न किसी फील्ड में जाए
और अपने जो लाइफ है उसको सक्सेसफुल बनाएं, बस यही उम्मीद है। थैंक यू।